अपनी आंखों को बंद करके मनन करो, खुदावन आज जितना वचन मैं सुनूं मैं उस पे फलों को लेके आऊं। आधी स्क्रीन के ऊपर क्रॉस को दिखाया जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पहला पत्रस 4 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे सामने परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पत्रस जो जीसस क्राइस्ट का क्लोजेस्ट चेला था, ये वो बोल रहा है। मायने करता कौन बोल रहा है आपकी लाइफ में? बहुत लोग बोल सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो कौन है जो आपकी लाइफ में बोल रहा है बहुत मायने करता है। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मायने रखता है कौन तुम्हारी जिंदगी में बोलता है। तो जिस वचन को तुम सुन रहे हो उसे परमेश्वर के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे सामर्थी चेले ने लिखा है। आमीन। क्योंकि मायने रखता है आपकी लाइफ में कौन बात कर रहा है, और उस समय पहचानना कि जो ये बात कर रहा है ये कहां से कर रहा है, किस किंगडम से कर रहा है। शैतान के किंगडम से कर रहा है कि परमेश्वर के किंगडम से बात कर रहा है। 2004 में जब बपतिस्मा लेकर मैं पानी के बाहर आया और हम बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़े से लोग थे, 15-20, और बैठकर हम प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर एक बहन थी, वो आज भी मेरे कॉन्टेक्ट में है। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बैठा, खुदा उसे बहुत इस्तेमाल करेगा। और सुनो, मुझे 1% भी मालूम नहीं था। मैंने कहा ये मैं तो हूँ ही नहीं, किसी के लिए हो सकता है। कोई इंटेंशन नहीं थी इस्तेमाल होने की, जस्ट हीलिंग के लिए। मैं बैप्टिज्म ले रहा था हीलिंग के लिए, फास्टिंग कर रहा था हीलिंग के लिए, प्रेयर कर रहा था, रोजे रख रहा था। लेकिन वो बात किस किंगडम से निकली थी? वो जीसस के किंगडम से आई थी। जीसस क्राइस्ट एक दिन जा रहे थे और एक चेले ने कहा, परमेश्वर ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस उठाए। जीसस ने कहा, ओ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि वो बात उस समय परमेश्वर के राज्य से नहीं, शैतान के किंगडम से, शैतान के राज्य से आई थी। आपके आसपास के लोग अगर आपको पहचानना नहीं आता, तो कई बार वो ऐसी बातें, ऐसी शैतानी राज्य की बातें आपकी लाइफ पर बो देते हैं और बोल देते हैं, जिसका असर आपकी लाइफ में होता है अगर आप अज्ञान हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं है। ओह यू आर सो यंग, तुझे तो पढ़ना चाहिए अभी, तेरे तो लाइफ कैरियर बनाने की है, प्रार्थना तो फिर भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये शैतान का राज्य बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही शैतान को मालूम है, अगर आप प्रेयरफुली पढ़ेंगे, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर्स के दिनों में एक्सीडेंट हो जाता है, पेपर्स के दिनों में बीमार हो जाते हैं, पेपर्स के दिनों में भूलना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तब उनकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती। एक इंटेलिजेंट मैन अपने बिजनेस में फेल है और उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति 10 गुना अपने बिजनेस में पास, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की जरूरत है। उसके बिना आई गई हर आशीष टेम्परेरी हो सकती है, थोड़े दिनों की हो सकती है, साथ बहुत सारी श्रापों को लेके आई हुई हो सकती है। हालेलुया। इसलिए मायने रखता आपकी लाइफ में कौन बोल रहा है। मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, पैसा पैसा पैसा, गाड़ी खरीद ली, एक दिन उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गए। क्योंकि वो गाड़ी तो ब्लेसिंग है, लेकिन बाइबल कहती है जो ब्लेसिंग यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उसके साथ वो पेन्स नहीं मिलाता। अगर आज का वचन आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु के नाम में। आज दो चेलों की हम बात करेंगे, पहला पत्रस और दूसरा याकूब। ये दोनों चेले परमेश्वर के बहुत करीब थे, इनको परमेश्वर का एक्सपीरियंस था, परमेश्वर के साथ चले थे। जब लंगड़े चलाने होते थे, जब
तो चेले 12 होते थे, लेकिन जब मुर्दा को जिलाना होता था, कई बार जैसे 12 साल की लहू बहने वाली औरत को परमेश्वर ने चंगा किया, तो एक आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि परमेश्वर मेरी 12 साल की बेटी मरने पे है, आ और उसे चंगा कर, हाथ रख। और जीसस क्राइस्ट रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कहा तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे। यीशु मसीह ने अनसुना करके उसके घर में गए, चेलों को बाहर छोड़ा, पतरस याकूब और यहूना को साथ लेकर और माता पिता को साथ लेकर उस लड़की को बोला, हे लड़की तलीता कुमी, यानी उठ, और बाइबल कहती वो उठ के बैठ गई। कौन थे वहां? पतरस याकूब और यहूना। आज हम दो चेलों की बात करेंगे और इन दो चेलों ने सेम चीज आपके लिए क्यों लिखी है, और परमेश्वर ने भी ये दो बार बाइबल में क्यों होने दिया कि आपको सेम चीज दो तीन बार चार बार परमेश्वर ने क्यों लिखी है, क्योंकि परमेश्वर एक खास मैसेज आपको देना चाहते हैं। और अगर ये खास मैसेज आप समझ गए, क्योंकि आपकी लाइफ इस पे निर्भर करती है, क्योंकि जब आप रास्तों में जाते हैं तो पुल आते हैं, आपके आपके रास्ते 300 किलोमीटर चलने पर कोई पुल नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं पुल आएगा, नहीं पुल आएगा, किसी का जल्दी, किसी का बाद में, किसी का बीच में, किसी का, तो परीक्षा आएगी बाइबल कहती है, किसी की पहले होती है, किसी की बाद में होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की पहले कम होती है, ये डिपेंड करता है, ये मायने ये तब रखता है कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है आपकी लाइफ में, वो कैसे चाहता है आपकी लाइफ में काम करना, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी परीक्षा पहले होगी, बाद में होगी, कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा। और दो चेले, पहला पतरस 4 उसकी 12-13, पतरस कहता है जब दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, अचंभा ना करो कि अनोखी बात तुम्हें बीत रही है, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। बोलो अपने पड़ोसी को आनंद करो, ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को आनंद करो। आपको मालूम है आनंद करने का मतलब क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो आनंद करो। कौन कह रहा है आनंद करो? पतरस कह रहा है आनंद करो, कह रहा पार्टी करो, खुशी मनाओ, दुखी मत हो। और दूसरा चेला जो इसी की तरह सामर्थ्य था और परमेश्वर के सबसे करीब था, वो था याकूब 1 उसकी 2-10 में लिखा, हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये भी कह रहा है आनंद की बात समझो, पतरस भी कह रहा है आनंद की बात समझो, यानी जब तुम्हें कोई परीक्षा पड़ जाए, वो परीक्षा क्या हो सकती है मैं नहीं जानता, मेरी लाइफ में कुछ और थी, वो बीमारियां थी, वो अटैक थे, वो डिप्रेशन था, वो विरोध था, वो कई तरह की चीजें थी, मेरी कॉलिंग बड़ी थी, परीक्षाएं बड़ी थी। आपकी कॉलिंग के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन, आपकी बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको परीक्षाएं देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब परीक्षा आती है तो विश्वासी का जो नेचर है वो कैसा है, ये मायने रखेगा कि वो परीक्षा में पास होगा कि परीक्षा में फेल होगा, या डिले होगा, या कंपार्टमेंट आएगी, या सप्ली आएगी, या कब उसकी क्लास क्लियर होगी, ये आपके नेचर और परमेश्वर के वचन की नॉलेज जो आपको है उस पर निर्भर करता है। अब एक परमेश्वर का दास जिसने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वो कह रहा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो कहता कोई अचंभी बात मत समझो, मत समझो कि मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं, कहता मत समझो कि कोई अचंभी कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है, पर कहता जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। और याकूब कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? ये चेले परमेश्वर के हमें आनंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोई आपके पास आके बोले ओह मुझे ये कैंसर का रोग है, आप बोलो जाओ पार्टी करो, जाओ आनंद करो, वो बोलेगा मार खानी है क्या तुमने? मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, मैं कह रहा हूं कि मेरे ये हो गया वो हो गया, तुम कह रहे हो आनंद करो? उसका कंडीशन ये है, इफ शर्त ये है कि वो परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं होनी चाहिए। जैसे दाऊद की जिंदगी में बैतशबा के साथ पाप के बाद जो परीक्षा आई वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं थी। जो पहले उसकी जिंदगी में हो रहा था, जो शाऊल उसके पीछे पड़ा था, वो परमेश्वर की ओर से था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब दो चेले कह रहे हैं कि आनंद करो, क्यों ये हमें आनंद करने के लिए बोल रहे हैं? 2009 में जब ये सेवकाई शुरू हुई तो मेरा पूरा बिजनेस जो करोड़ों रुपए का था किसी ने आग लगा दी थी, इसी गांव के लोगों ने,
तो अगर मैं वचन उस समय पढ़ता यही पत्रस का, तो पत्रस कहता आनंद करो, तो मैं सोचता नहीं पत्रस को कुछ दवाई की जरूरत है, ये मुझे कह रहा है मेरा बिजनेस जल गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, यही बिजनेस की तो मैं गवाही देता था, यही बिजनेस की गवाही देकर तो मैं लोगों को समझाता था कि मसीह में आओ, अब यही बिजनेस जल गया तो मेरे पास कोई गवाही नहीं, अब मेरी हीलिंग की गवाही बची है, और वो भी शैतान मेरी हीलिंग से भी फाइट करता रहता था ताकि मुझे ये महसूस होता रहे कि तेरे पास अभी कुछ नहीं है, तेरे पास 5 साल हो गए अभी कुछ नहीं है, बिजनेस भी था वो भी चला गया। तो मेंटल टॉर्चर करने की वो कोशिश करता था, मेंटली आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, आपको सवाल पैदा करता है, यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो होंद पंजाबी जी कहते हैं, उसके ऊपर वो सवाल पैदा करता है कि वो है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बिजनेस था वो जल गया, अब सेहत है और वो उसके साथ भी मैं फाइट कर रहा हूं, तुझे मैं हीलिंग लेने नहीं दूंगा, तो ऐसा लगता कि क्या सचमुच परमेश्वर है भी या नहीं। लेकिन जब पत्रस को पढ़ा तो उसने कहा आनंद समझो, जब याकूब को पढ़ा जो परमेश्वर के करीब था वो भी कह रहा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। मेरी लाइफ में बहुत सी परीक्षाओं को मैंने देखा है, अब जो आजकल थोड़ा बहुत विरोध होता है ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ऐसे वाला है, चिक चिक। ये कोई परीक्षा नहीं है, हालेलुया, ये तो शैतान जस दुखी है बेचारा। सुनो, परीक्षा किसे बोलते, मैं आपको बताता हूँ, ये परीक्षा परीक्षा नहीं है, सुनो ये तो इंजॉय करो, मजे लिया करो। तो परीक्षा किसे, 2005 में मेरी लाइफ की बिगेस्ट परीक्षा थी, 2005 में मैं अपनी लाइफ के मोस्ट डिप्रेस्ड पार्ट से होकर गुजर रहा था, सुसाइड करना चाहता था मसीह में आने के बाद, ले हैंड करता था तब, पवित्र आत्मा पा चुका था तब भी, इतनी ज्यादा मेरी लाइफ में वो डिप्रेशन और डेविलिश अटैक्स थे, लेकिन शैतान मेरे अंदर नहीं था। खेल खूल वाला काम परमेश्वर में आने के बाद एक विश्वासी नहीं करता, अगर वो सच्चा विश्वासी है, अगर वो परमेश्वर की पावर को समझता है, अधिकारों को समझता है कि शैतान मेरी जूती के नीचे है, मैं शैतान में खेलूंगा नहीं, तो वो खेल बंद हो जाती है उस दिन, जिस दिन इंसान समझ जाता है, प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं, करवाने की भी जरूरत नहीं कि दुष्ट आत्मा मेरे से निकाल दो। अगर तुम क्रिश्चियन हो, शैतान को बोलो ये शरीर यीशु का है, तेरा नहीं, चल भाग यहां से यीशु के नाम में, दैट्स इट, वो खेल आनी बंद हो जाएगी। जब सिर घुमाने के लिए शैतान बोले तो उसे स्टॉप करो, उसे बोलो ये शरीर तेरा नहीं, यीशु मसीह का है, ये हिलेगा नहीं, ये खुदा के काम करेगा। आप बोलते नहीं, जब बोलते नहीं तो शैतान काम करता है। परमेश्वर का रूह कह रहा है अपने दोनों दासों के जरिए से कि जब परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बिल्कुल आनंद की बात समझो, इसे प्योर आनंद समझो, प्योर दिल के साथ खुशी मनाओ जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो। इसका रीजन है, आपकी लाइफ में एक समय आएगा, आप अगर परीक्षा में हैं, थे या होंगे, ये वचन सबके लिए एक है, आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, आप वचन को जानते होंगे, लेकिन शैतान फिर भी क्वेश्चंस आपके सामने रेज करेगा, सवाल पैदा करेगा, ये क्यों, अगर वो है तो ये क्यों है, अगर वो है तो ऐसा क्यों नहीं है, और इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ होंगे और आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के खिलाफ। तब वो परीक्षा जो आपकी हुई थी और उससे निकलने की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो आपको हुआ था, आपको मसीह में सदा के लिए स्टैंड रखेगा यीशु के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में खड़ा हूं उसका एक मेजर कारण यह है कि 2005 की वो परीक्षा जिससे मैं सबसे अधिक तंग हुआ और पार्ट्स में मैं उस परीक्षा से निकला हूं, पार्ट्स में कुछ कुछ करके 8 साल 9 साल 10 साल, लेकिन जब शैतान ने मेरी लाइफ में क्वेश्चंस रेज किए, बाइबल जानते हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, सामर्थ पाए हुए भी, वो एक्सपीरियंस जो मेरा परीक्षा से निकलने के बाद जो मैंने प्रभु से लिया था, परमेश्वर ना इनकाउंटर हुआ मेरा आमना सामना, क्योंकि वो परीक्षा से निकलना आसान नहीं था, वो एक्सपीरियंस आज भी जब मैं याद करता हूं वो परमेश्वर मुझे खड़ा रखता है, क्योंकि वो साबित करता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर।
मैं आपको बता रहा हूं, वचन जानने वाले भी लोग कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं क्योंकि उनका यीशु मसीह से आमना सामना नहीं हुआ, उन्हें ये प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। आप जानते हैं पतरस वचन जानता था, यीशु मसीह को जानता था। जब यीशु मसीह मर गए तो फिर मछलियां पकड़ने के लिए चला गया था, अपना काम धंधा पकड़ने के लिए चला गया था, बैकस्लाइड हो गया था। और जीसस क्राइस्ट फिर उसके पास गए, इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर होना, आमना सामना होना, एक्सपीरियंस होना, जो वचन फिर आपने सुना होता है वो लगता है फिर कि ये सच्चा है। आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। बिना परीक्षाओं से निकले आपको ये वचन भी सच्चा नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप गवाहियां भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप सब भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। वचन होते हुए भी आप अविश्वास में रहोगे, पूरी तरह से विश्वास में नहीं होंगे। लेकिन जब आप उस एक्सपीरियंस को जो खुदा ने आपको दिया, और वो कब मिलता है आपको मालूम, वो तभी मिलता है जब आप परीक्षा में होते हैं। इसीलिए पतरस और याकूब को मालूम था कि जब परीक्षा में विश्वासी पड़ेंगे तो आनंद बनाना, क्योंकि उसी के कारण तुम फ्यूचर में खड़े रहोगे और बने रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, बड़े काम करोगे यीशु में। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो एक्सपीरियंस आपको लाखों रुपया, वो एक्सपीरियंस कोई जन, कोई फैमिली मेंबर, कोई प्यारा, कोई दुलारा आपको नहीं दे सकता। वो एक्सपीरियंस आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपकी एक्सीलेंस, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकती। वो एक्सपीरियंस वो लोग नहीं ले सकते जो परीक्षाओं के दिनों में बहक जाते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो परीक्षाओं में लगता है कोई अचंभी बात उन पे बीत रही है। अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और पतरस ने पहले ही कह दिया कि तुम कहता अचंभा मत करो कि अनोखी बात तुम पे हो रही है, क्योंकि मुझे बड़ा अचंभा होता था कि मैं ही क्यों, ये सारे डिप्रेशन, ये सारी बेवकूफों वाली चीजें ये मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं। तब समझ नहीं आती थी, तब लगता था कि परमेश्वर मुझे निकाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे निकाल बस इन चीजों से। लेकिन आज समझ आती है कि वो क्यों था, ताकि मैं आज खड़ा रहूं। वो आपको देख रहा था, वो लाखों लोगों को देख रहा था, वो मुझे देख ही नहीं रहा था। उसे मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा, उसे मालूम है आप ब्लेसिंग का कारण है, आपके वंश के लिए, आपके जनरेशंस के लिए, लाखों रूहों के लिए, वो लोग जो आपके द्वारा बचाए जाने वाले हैं। बने रहो और खड़े रहो। वो अनोखी बात हो सकती है, वो लंबा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसी के लिए आप फ्यूचर में अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, अपने परिवार, अपने जिंदगी के लिए इतना थैंक्स नहीं करोगे जितना आप उस परीक्षा के लिए करोगे। क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं रहे अगर वो परीक्षा का एक्सपीरियंस आपको ना होता और आप परमेश्वर से हट जाते। इसलिए वो विश्वासी बड़े अजीब से मालूम होते हैं जिनकी लाइफ में वो परीक्षाओं से निकले नहीं होते, क्योंकि आज वो कैंसर हीलिंग देखते हैं तो बले 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 बले, लेकिन कल को जब शैतान सवाल करता है वो घर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है परमेश्वर के साथ। और वो एक्सपीरियंस आता है जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं। वो विरोध हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, और जब आप उस एक्सपीरियंस से निकलते हैं, वो फीलिंग और वो एक्सपीरियंस जो आपको होता है वो आपको सदा सारी उम्र परमेश्वर में खड़ा रखता है। एवरी डे आपको खड़ा रखता है परमेश्वर। आज के बाद जब आप परीक्षाओं में जाएं, जब आपकी परीक्षा हो, तो पतरस को भी याद करना और याकूब को भी याद रखना। ये वो दो चेले थे जो परमेश्वर के साथ सबसे अधिक रहे हैं, जिनको परमेश्वर के सबसे अधिक इनकाउंटर हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभु से मिले हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर के कामों को उन्होंने देखा है, लंगड़ों को चलते देखा है, अंधों को देखा है, उन्होंने मुर्दों को जलाते हुए देखा है, सबसे क्लोज परमेश्वर के थे। आसमान में परमेश्वर के कपड़ों को चमकते हुए और मूसा और एलिया को परमेश्वर के साथ बातें करते हुए देखा है।
ये वो दो चेले कह रहे हैं कि जब तुम पे परीक्षाएं आए तो पूरा आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो फ्यूचर में तुम्हें चट्टान की तरह स्ट्रांग रखेगा। तुम हट जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे भागने वाला नहीं, उसके पास हमेशा रिप्लेसमेंट है। परमेश्वर के घर की एक निशानी है, जब एक व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता, परमेश्वर उससे बेटर कोई खड़ा करता है। इसीलिए हर एक बंदे को यह मालूम होना चाहिए, इसलिए मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि उसके पास रिप्लेसमेंट्स पड़ी होती हैं। जब लगता है कि मेरे जैसा ये काम मैं चला जाऊंगा तो देखना क्या होता है, और जब वो व्यक्ति देखता है कि मैं चला गया, मुझसे कोई बेटर उस स्थान पे खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के पास रिप्लेसमेंट्स हैं। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। दाऊद के बड़े भाई के ऊपर कॉलिंग थी, दाऊद के ऊपर नहीं थी। वो फेल हो गया, छोटे पे आ गई, वो फेल हो गया, छोटे पे आ गई, वो फेल हो गया, छोटे पे, सब फेल हो गए, दाऊद पे आ गई। दाऊद पास था क्योंकि वो परमेश्वर के नाम में, उसकी परीक्षाओं के दिनों में भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। आमीन। मैंने लोगों को देखा है, मैंने आपको स्टोरी बताई, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। लोग नहीं समझ पाते परीक्षाओं में उनको क्या करना है, परमेश्वर में आगे जाना है कि पीछे जाना है। एक लड़की की हमेशा शिकायत रहती थी अपने मम्मी से कि तू मुझे कम प्यार करती है, मेरी बहन को ज्यादा करती है। हमेशा उसी की यही शिकायत रहती थी, और उसने आके बोलना कि मेरी मम्मी मुझसे, मैंने कहा तेरी मम्मी का प्यार तुझे नहीं चाहिए, तुझे परमेश्वर के करीब जाना है। खुदाबंद की प्लानिंग तेरी लाइफ में अलग है, तू प्रभु के करीब हो। खुदाबंद कई बार दुनिया से आपको रिजेक्शन देता है ताकि आप परमेश्वर के करीब हो सके। अगर तुम नहीं समझोगी तो फिर शैतान तुम्हें अपनी ओर ले जाएगा। बुलाहट छोड़ दी, भाग के शादी कर ली, सेवा से सदा के लिए दूर, वो लाइफ कभी वापिस नहीं आई। मेरी लाइफ में मैं और मेरे भाई ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया था, लेकिन मेरा भाई मेरे मम्मी और पापा से ज्यादा अटैच था और मैं कम अटैच था। वो छोटा ही रहा, मतलब वो 25 का था तब भी छोटा ही था, वो 15 का था तब भी छोटा था, तो मैं बड़ा ही था। लेकिन एक कारण था, जब बपतिस्मा लेने के बाद मेरी फैमिली में तगड़ा विरोध शुरू हुआ, तो उस विरोध के प्रेशर में आके मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया और मैं आगे चला गया, क्योंकि मैं अटैच नहीं था इतना इमोशनली। अगर होता तो क्या होता, आपको मालूम होता। तो कई बार परमेश्वर आपको मालूम नहीं आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका आने वाले समय में परमेश्वर उसकी उन चीजों को जाहिर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। तुम्हें सिर्फ खड़े रहना और बने रहना। मैं खड़ा रहा, बना रहा। आई थिंक 2009 में, आई थिंक हाँ 2004 में मैंने बैप्टिज्म लिया, तो 2005 से इमेजिन कर लो वो बैकस्लाइड था। 5 निकल गया, 6 निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9, 10, फिर वो वापिस आया। उसकी वाइफ ने मुझसे बपतिस्मा लिया, मेरी मदर ने फिर मुझसे बपतिस्मा लिया, मेरे फादर ने फिर मुझसे बपतिस्मा लिया। अब हम अटैच हैं, क्योंकि वो समय निकल गया, वो परीक्षा का टाइम निकल गया, अब कोई चक्कर नहीं है ऐसा। अब शायद मैं ज्यादा अटैच हूंगा, लेकिन कारण मैं आपको बता रहा हूं, रीजन ये था कि परमेश्वर का एक प्लान था। तो कहता अचंभी चीजों को मत लोगित, कुछ अचंबा तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ माइक्रो चीजें तुम्हारी लाइफ में कर रहा है, तुम्हारी सोच के ऊपर वो काम कर रहा है, तुम्हारे सराउंडिंग में जो है उनके लिए वो तुम्हारी लाइफ में काम कर रहा है। कई बार आपका दोस्त आपको रिजेक्ट कर देगा, आप बोलोगे यार मैंने क्या किया है, ये मुझसे ज्यादा 10 गुना नीचे, ये मूर्ख व्यक्ति इसका दोस्त है, इसके साथ ये बनती है, मेरे साथ क्यों नहीं बन रही इसकी। परमेश्वर नहीं चाहता, वो आपको अलग रखना चाहता है, पर आप शक कर रहे हो कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। यू आर द बेस्ट, आमीन, आप बेस्ट हो, क्योंकि परमेश्वर कुछ, सुनो अगर आप बच्चों वाले हैं या आप माता पिता हैं तो आप समझेंगे। आप अपने बच्चे की हर चीज को नोटिस करते हो, किसके साथ बात करता है, क्या खेलता है, क्या बोलता है,
क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे सोता है, आप हर चीज में निगाह रखना चाहते हो कि आपको नहीं चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए। परमेश्वर, आपको लगता है कि परमेश्वर को सिर्फ प्रार्थना बाइबल से मतलब है, बस प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, चर्च गए, टाइट दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आप सोचते कैसा है, आप जाते कैसा है, गाड़ी का उसको हर चीज से मतलब है, और वो आपकी लाइफ में बिल्कुल बारीकी से काम करता है। अगर आप ध्यान से देखे तो बस इतनी इतना रहम कर देना कि तुम बने रहना परमेश्वर में। पाप में रह के जो परीक्षाएं आएंगी वो तुम्हें कम करने के लिए होंगी, पवित्रता में रहकर जो परीक्षाएं आएंगी वो तुम्हें बढ़ाने के लिए होंगी। बस ये एक फर्क तुम अपने आप तय कर लेना, क्योंकि पंगा लिया है शैतान के साथ, जब भी पाई है तो परीक्षा आई है, कि शैतान को थप्पड़ मारा है तो परीक्षा आई, कि प्रभु के साथ जब भी डली है तो परीक्षा आई। अगर तो शैतान के साथ जब भी डली है तो परीक्षा आई है, तो फिर वो घटाने के लिए है। अगर प्रभु के साथ हक किया है तो परीक्षा आई, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए है। तो परमेश्वर माइक्रो मैनेजिंग आपकी लाइफ में करता है, छोटी छोटी चीजों पर प्रभु काम करता है। आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कई बार आपको खिजाहट आ सकती है, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आने वाले समय को देख रहा है। मेरा विश्वास है कि अब परीक्षाओं में आप आनंद को मनाएंगे, आप उसमें खड़े रहेंगे, विश्वास के साथ अड़े रहेंगे। आमीन ऊंचा, तो ये बरकत आपकी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें, कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।